नमस्कार, इस समय आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करंट स्टेडियम के बाहर से। और हम आपको बता दें, जहां करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने प्रमुखता से जो है इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से करंट स्टेडियम में, जहां पर स्टेट स्टोर सेंटर है, यानी कि पूरे प्रदेश भर का जो खेल से रिलेटेड सामान है, इक्विपमेंट्स हैं, वे सभी जो हैं करनाल में रखे जाते हैं, क्योंकि करनाल सेंटर में पड़ता है और सभी ज़िलों में जो है आसानी से सामान पहुँच जाता है। लेकिन जैसे कि पहले भी हम लोगों ने आपको खबरों में दिखाया किस तरीके से एक बड़ा घोटाला जो है वो देखने को मिला था, किस तरीके से अधिकारियों ने जो है यहाँ पर मौजूद खिलाड़ियों के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि 10,19,000 का सामान जो है वो स्टेट स्टोर सेंटर से जो है गायब था। जब इस बारे में कुछ एक रिक्वेस्ट जो है, जानकारी जो है खेल मंत्री को दी गई, तो खेल मंत्री जो है यहाँ पर पहुँचे थे। 6 मार्च को जो है वे यहाँ पर पहुँचे थे, उनके द्वारा छापा मारा गया था और रजिस्टर जो है वो वे अपने साथ ले गए थे। और उस समय जो मौजूदा DSO साहब थे और जो कीपर थे, स्टोर कीपर थे, उन दोनों को जो है सस्पेंड कर दिया गया था। और उसके बाद हालांकि कई जांच की टीम द्वारा भी जो है जांच की गई और 10,19,000 का घोटाला जो है वो सामने आया था। और उसके बाद हम आपको बता दें, आज जो है ऑडिट की टीम यहां पर पहुंची हुई है, जो कि पिछले 3 दिनों से जो है यहां पर कार्य कर रही है, ऑडिट करती हुई नजर आ रही है। उनसे हम लोग आगे बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जो है जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। कहने को स्टेट स्टोर सेंटर है, यानी कि जहां पर सभी सामान रखा जाता है, कहने को कागजों में शायद बड़े बड़े दफ्तर जरूर होंगे, लेकिन क्या कुछ उस सेंटर की, उन कमरों की असलियत है, वो भी हम लोग जो है आपको आगे इस खबर में दिखाएंगे। तो आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि सभी लोगों तक जो है जानकारी पहुंच सके। 10,19,000 का घोटाला जो है वो सामने आया था कि 10,19,000 रकम का जो सामान है वे इस स्टेट स्टोर सेंटर में मौजूद नहीं था। हालांकि ये भी कहा गया कि वो सामान जो है वो एथलीट्स को दे दिया गया है या प्लेयर्स को दे दिया गया है, लेकिन रजिस्टर में किसी भी तरह की जो है डिटेल्स उसमें नोटेड नहीं थे, जिसके चलते रजिस्टर जो है खेल मंत्री स्वयं अपने साथ ले गए थे। और उसके बाद जांच बिठाई गई, घोटाला सामने आया और आज जो है ऑडिट की टीम यहां पर पहुंची है। तो आगे की तस्वीरें हम लोग आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, इस समय आप लाइव तस्वीरें करनाल के करंट स्टेडियम से देख रहे हैं, और जहां भी पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से घोटाला जो है वो देखने को ज़रूर मिला था, कि 10,19,000 का सामान जो है वो स्टेट सेंटर जो है यहां पर, जो कि करनाल में बनाया गया है, जहाँ पर जो खेलों से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वे सभी जो है यहाँ पर रखे जाते हैं, उसमें से कुछ सामान जो है गायब था, जिसके बारे में हालांकि जब रजिस्टर की जाँच की गई तो खेल मंत्री खुद जो कि मौके पर पहुँचे थे, वे रजिस्टर लेकर भी गए थे और उसके बाद जो है जांच के आदेश दिए गए थे। और आज जो है ऑडिट की टीम जो है यहाँ पर पहुंची है, DSO साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम एक बार उनसे इस पूरे मामले में जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था, ऑडिट की टीम आज यहाँ पर पहुंची है, क्या कुछ जानकारी? ये ऑडिट जो पार्टी आई है, ऑडिट अधिकारी जो आए हैं, ये सरकार के आदेश है, ये हर जिले में ऑडिट करते हैं। आज करनाल का नंबर है, कल कहीं और का नंबर होगा, तो ये अपना यहाँ ऑडिट के ये सब कुछ चेक करेंगे, इनको जो भी कुछ मिलेगा अपनी रिपोर्ट विभाग को दे देंगे। सर, लेकिन जो यहाँ पर खिलाड़ियों का और खेलों से रिलेटेड जो सामान रखा जाता है, जो सेंटर है, वहाँ से 10,19,000 का सामान जो है वो गायब था। खुद खेल मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे, उनके द्वारा भी जो है रजिस्टर चेक किया गया था, सारी एंट्रीज उसमें नहीं पाई गई और उसके बाद जाँच के आदेश भी दिए गए। तो क्या कुछ आप उसके बारे में बताना चाहेंगे, क्या ये भी एक कारण है कि ऑडिट की टीम आज यहाँ पर पहुँची है? नहीं, ये कोई स्पेशल कारण नहीं है। बात जहाँ तक घपले की आप बोल रहे हो, ऐसा हमने अपने तौर पर भी सेंट्रल स्टोर की जांच की है, हमारे अनुसार सेंट्रल स्टोर में पूरा सामान है। हमने बाकी जो रजिस्टर आ जाएगा मिलान पूरा करके हम हर चीज़ ये कर देंगे, भैया कोई कम होगा तो वो भी आपको बताएंगे। हमारे अनुसार हमने जो जांच की है, सेंट्रल स्टोर का यह सामान पूरा है, सेंट्रल स्टोर का सामान पूरा है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं, DSO साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और जैसा कि सर ने भी बताया कि सेंटर स्टोर का सामान जो है वो यहाँ पर पूरा है, किसी भी तरीके का जो है सामान यहाँ से गायब नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें, पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से 10,19,000 का घोटाला जो है वो देखने को मिला था, क्योंकि जब खुद मंत्री साहब यहाँ पर पहुँचे थे और उनके द्वारा भी रजिस्टर चेक किया गया तो काफ़ी ऐसा सामान था जो यहाँ पर नहीं मिला था। लेकिन हालाँकि वे जाँच का विषय ज़रूर है और उस पर जाँच किस हद तक और कहाँ तक अभी तक हुई है या आगे होती है, इसके बारे में जो है ये सवाल जरूर है और उसका जवाब लोगों को मिले, इसके लिए इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से हम लोग सर से बातचीत करना चाहेंगे। सर, अभी तक जो ऑडिट की टीम जो है 3 दिन से यहाँ पर पहुंची हुई है, तो जो भी अभी तक जो है उनकी जांच हुई है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
मैडम ऐसा है, यहाँ 3 दिन से जो टीम आई है हमारे से तो वो डॉक्यूमेंट मांगती है, वो जांच वो करते हैं कमी है या नहीं है वो यहाँ हमारे को नहीं बताएंगे, वो अपनी रिपोर्ट बना के ले जाएंगे और वो मुख्यालय में जमा कराएंगे, मुख्यालय के थ्रू होके ही हमारे पास रिपोर्ट आएगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कमी है कि नहीं है, वो तो बाद में बताओ। तो जैसा कि सर ने बताया, हालांकि ऑडिट की जो टीम यहाँ पर पहुंची है वो जानकारी जो है इस बारे में नहीं दे सकते हैं कि क्या कुछ जो है अभी तक कमियां देखने को मिली हैं या कौन सा सामान जो है अभी तक यहाँ पर नहीं मिला है। हमारी एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरे स्टेट का जो खेल का सामान है वो करनाल में पड़ा रहता है और बड़ा घोटाला ज़रूर देखने को मिला था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है सहूलियत दी गई थी, सौगात दी गई थी सभी खिलाड़ियों को कि किस तरीके से उनको जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, सभी इक्विपमेंट्स मिलने वाली हैं, लेकिन उन्हीं के अपने शहर से जो है अगर इस तरीके से खिलाड़ियों का और खेल का सामान अगर कहीं गायब हो जाता है या किसको वो दिया गया है, अगर वो खिलाड़ियों को भी दिया गया है तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन्ड होगा, उस रजिस्टर को जरूर देखा जाना चाहिए। तो क्या कुछ पूरा मामला है, हालांकि ये जांच का विषय जरूर है। हमारी आप लोगों से ये अपील है, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। हालांकि जब खुद मंत्री साहब यहां पर पहुंचे थे तो उस समय मौके पर जो DSO साहब थे और जो स्टोर कीपर थे उन दोनों को भी जो है सस्पेंड किया गया था। तो हालांकि अगर सामान पूरा था और अगर यहां पर सारे इक्विपमेंट्स पड़ी थी तो शायद सस्पेंशन तक की नौबत ना पहुंचती। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इसके जवाब जरूर मिले, इसके लिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। अभी आपने लाइव तस्वीरों में देखा कि करनाल स्टेडियम में, करण स्टेडियम में जो है ऑडिट की टीम मौजूद है और वो पिछले 3 दिन से यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि 10,19,000 का जो है यहाँ पर सामान का घोटाला हुआ गया। हालांकि DSO साहब का कहना ये है कि ये सामान जो है वो या तो एथलीट्स को दे दिया गया है या कहीं पर जो है यूज़ करने के लिए दिया गया, पर रिकॉर्ड्स में जो है इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है। कुछ महीने पहले जो है खेल मंत्री यहाँ पर मौजूद हुए थे, उन्होंने छापा मारा था जिससे कि ये बात सामने आई कि 10,19,000 का सामान जो है रूम से जो है गायब था। आपको इस वक्त आप रूम की हालत देख सकते हैं, ये रूम्स जो हैं ठीक से बंद नहीं हैं और कई सामान जो है बाहर पड़ा है और रूम्स के लॉक जो है उनका प्रॉपर सिस्टम नहीं है, या तो साइकिल के ताले से लॉक किया गया है या कहीं लॉक्स जो हैं टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं चोरी हो सकती है या सामान जो है वो ख़राब हो सकता है सामान के बाहर पड़े रहने की वजह से। आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उच्च मंत्री, ऊपर के लोगों तक जो है ये बात जा सके और वो इन रूम्स की हालत पर ध्यान दिया जा सके, ध्यान दे सके। CM द्वारा जो है ये इस स्टेडियम का जो है इनॉग्रेशन की गई थी और कहीं ना कहीं सहूलियत ज़रूर थी एथलीट्स के लिए कि इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम उनको मिल रहा था, सभी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, पर रूम्स की जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रॉपर ना होने की वजह से कई सामान का जो है घोटाला हो चुका है, गुम हो चुका है कई सामान, या फिर वो प्रॉपर रिकॉर्ड्स में नहीं है। आप सबसे अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। विभूति भारती, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।